कि नाउ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 एज फार एज योर असाइनमेंट और असेसमेंट इज कंसर्न यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर वर्क बुक पेज नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स यूज इन अ कनेक्शन विद सोल्यूशन. अभी हमने सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्युबल और सोल्यूशन की डेफिनेशन आपको मैंने लेक्चर में डिस्क्राइब की थी. अब ये जो बॉक्सेस हैं इन्हें आपने मैच करना है. सॉल्यूट क्या होता है? वो पार्ट होता है जो कि किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और एक सॉल्यूशन बनाता है. जबकि सॉल्यूशन सेकंड है. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो होता है जो एक प्रॉपर होमोजेनस मिक्सचर होता है जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से एक प्रॉपर जो मिक्सचर फॉर्म होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है. थर्ड सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट का मतलब वो लिक्विड जो किसी सॉल्यूट को या सॉलिड को डिसॉल्व करती है और एक सॉल्यूशन बनाती है. और चौथा है सॉल्युबल. सॉल्युबल का मतलब ये है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के अंदर क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, या कोई कह सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस या ऐसा सॉल्यूट जो कि प्रॉपरली सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया. अब ये सोच समझ के आपने मैचिंग करनी है, इसकी एक लाइन ड्रॉ करके डिस्क्राइब करना है. क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ दीज वर्ड्स टू फिल इन द गैप्स इन सेंटेंस. अब आपके पास कुछ वर्ड्स गिवन है एक बॉक्स के अंदर और चार सेंटेंसेज है जिसमें वर्ड्स को प्रॉपरली उनकी जगह पर फिल करना है. अजीज़ एडेड शुगर टू हिज टी अंटिल नो मोर वुड डिसॉल्व. ही हैड मेड अ डैश सॉल्यूशन. आपको मैंने बताया था कि जब तक चीनी डिसॉल्व होती जाएगी सॉल्यूट में तो वो सॉल्वेंट में तो वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा. लेकिन जब चीनी नीचे सेटल डाउन होनी शुरू हो जाए तो वो किस तरह का सॉल्यूशन बन जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब वो सैचुरेट हो गया, उसके अंदर मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता. बी पार्ट, शुगर विल डिसॉल्व इन वाटर टू और टी बिकॉज इट इज़ डैश. चीनी जो है वो चाय में या पानी में इस वजह से डिसॉल्व होती रहती है क्योंकि वो क्या होती है, उसके अंदर सॉल्युबल होती है. जबकि आटा सी पार्ट है, फ्लोर विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल. पानी के अंदर क्यों आटा डिसॉल्व नहीं हो रहा था? क्योंकि वो उसके अंदर इनसॉल्युबल होता है. टू प्रोड्यूस शुगर फ्रॉम अ शुगर सॉल्यूशन यू नीड टू अलाउ द वाटर टू डैश. एक ही वर्ड बचा है कि जब आपने चीनी और पानी का एक मिक्सचर बनाया, अब आप जब चाहेंगे कि शुगर आपको सॉल्यूशन से वापस मिल जाए तो आप क्या करेंगे, उसको एवोपरेट कर देंगे. पूरा पानी एवोपरेट हो जाएगा और जो चीज़ नीचे बच जाएगी वो क्या वापस बच जाएगी, शुगर. देन क्वेश्चन नंबर 3, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय. सॉल्यूशन कब बनता है? जब आप किसी भी सॉल्यूट को किस में ऐड कर लेते हैं, सॉल्वेंट में. क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टैप वाटर इज कंटेन बाय इन डिसॉल्व सॉलिड्स यू वुड. आपके पानी में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ जो है वो उसमें ऐड होकर आ रही है, डिसॉल्व होकर आ रही है, तो हम फाइनली हम उसको क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस करेंगे जिसमें पानी जो है वो सारा का सारा बॉयल होकर अब बुखारात बनकर उड़ जाए और जो चीज़ नीचे रह जाएगी वो क्या हो जाएगी, सॉलिड बच जाएगी. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर. आप आराम से इसको एग्जांपल में घर में भी आपने ये कभी किया होगा कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आसानी के साथ पानी में क्या हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं. सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जिसको आप पानी के अंदर डालें तो वो भी एक तरह का लिक्विड ऐसा होता है जो कि उसी पानी के अंदर आपको उसी यानी वो डिसॉल्व नहीं होता बल्कि अलग से तैरता हुआ हमें दिखाई दे रहा होता है. देन क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम पेज नंबर 33, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड विच कैन डिसॉल्व इन. अभी मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि सॉल्युबिलिटी को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कोई भी सॉलिड जब एक ख़ास टेम्परेचर पर तकरीबन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व होने की सलाहियत रखता हो वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है. अच्छा जी, वॉट इज़ द वेट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज़ डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. आपने 20 ग्राम कोई तकरीबन सॉल्ट लिया है और उसको 100 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड कर दिया. अब बताइए कि टोटल वेट कितना आ जाएगा, 100 को 20 से प्लस कर दें तो क्या आपका वज़न उसमें आ जाएगा, वो आपने यहाँ पर डिफाइन करना है. अच्छा जी, 8th क्वेश्चन, यू आर गिवन 4 डिफरेंट लिक्विड्स एंड 1 सॉलिड. आपको 4 अलग अलग तरह के लिक्विड्स दिए गए हैं जबकि एक ही सॉलिड है. अब आप ये बताइए, यू विश टू डिस्कवर विच लिक्विड विल डिसॉल्व द सॉलिड फास्टेस्ट. आपने ये मालूम करना है कि सबसे पहले कौन सा सॉलिड जो है, यानी सॉलिड तो एक ही लिया है आपने, अब कौन किस लिक्विड के अंदर सॉलिड जो है वो सबसे पहले डिसॉल्व हो जाएगा. आपके 3 मेथड्स इसमें सही हैं, एक ऐसा स्टेप दिया हुआ है जो कि गलत है, वही आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट पूछा है, टेक द सेम वॉल्यूम ऑफ ईच लिक्विड. आप पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं कि आप सबको थोड़ा थोड़ा लिक्विड लें, ठीक है, और
सब में थोड़ा थोड़ा सॉलिड जो डिसॉल्व करके देखें, क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि किसमें सबसे पहले सॉलिड जो है वो डिसॉल्व हुआ। इसका मतलब है ये प्रोसेस आपका सही है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, वो स्टेप जो कि रॉन्ग है, गलत है। सेकंड आपसे कह रहे हैं ऑलवेज टेक द सेम वेट ऑफ द सॉलिड। आपने चारों लिक्विड्स में बिल्कुल एक ही क्वांटिटी की सॉलिड डालनी है, ये ना हो कि किसी में कम डाल दें किसी में ज़्यादा डाल दें। इसका मतलब ये भी गलत नहीं है, ये भी सही स्टेप है, जैसे आपको पता चलेगा कि किस में सबसे ज़्यादा या किस में सबसे पहले सॉलिड जो है वो डिसॉल्व हो गया। थर्ड है कीप ऑल द लिक्विड्स एट द सेम टेम्परेचर। सारे लिक्विड्स को एक ही टेम्परेचर पे रखना, ये ना हो कि किसी ने आपने ठंडे में कर दिया, किसी को आपने गर्म में कर दिया, किसी को आपने हीट कर दिया, नहीं, सेम टेम्परेचर पर उसको एडजस्ट करेंगे, ये भी गलत नहीं है। इसका मतलब है तो फिर स्टर ओनली दोज मिक्सचर्स विच रिक्वायर्ड। आपने सिर्फ एक मिक्सचर को में स्टरिंग करनी है या उसको घुमाना है, चलाना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो क्या सिर्फ एक को ही करना है होगा? तो ये सोच समझ के करिए कौन सा स्टेप आपको ऐसा लग रहा है कि वो गलत है। अच्छा जी, टू पाउडर्स हैव बीन मिक्स्ड बाय मिस्टेक। आपके पास दो पाउडर्स गलती से मिक्स्ड अप हो गए हैं। अब हमें उसको मिक्स कर सकते, हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे? दो सॉलिड्स हैं, ये दो मिक्सचर्स ऐसे पाउडर्स हैं सॉलिड्स के जिन्हें आपने मिक्स जो गलती से हो गए, अब उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? दे डिसॉल्व इन वाटर। हाँ, लिक्विड कैन बी फाउंड विच विल डिजॉल्व बोथ इक्वली वेल, दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। लिक्विड कैन बी फाउंड विच विल डिजॉल्व वन एंड नॉट द अदर। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों को अलग अलग गलती से मिल गया, लेकिन हम दोनों को अलग अलग चेक कर लेंगे कि कौन सा वाला जो है वो लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो रहा है, दूसरा वाला डिजॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, देन द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10। Some students were given a mixture of sand, salt and iron fillings which they were told to separate. कुछ बच्चों को नमक, आयरन की कुछ रॉड्स, आयरन की फिलिंग्स यानी लोहे की, और मिट्टी दे दी गई। ठीक है, मिलाकर मिक्सचर बनाकर दे दिया गया। अब बच्चों से कहा गया है कि अब वो इनको सबको सेपरेट करें। आप इसमें चार प्रोसेसेस हैं, लेकिन चारों प्रोसेसेस जो हैं वो जंबल हुए हुए, आगे पीछे हुए हुए हैं। सबसे पहले कौन सा स्टेप होना चाहिए? अब ये इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप फ़िल्टर कर दें मिक्सचर को। फ़िल्टर कैसे हो जाएगा? फ़िल्टर तो उस वक्त होगा जब आप थोड़ा सा सोल्यूशन बनाएंगे। फिर आप पहले स्टेप में क्या करेंगे? पहले स्टेप में ये हो सकता है कि आप मैग्नेट यूज़ करें, तो उसमें से कौन सी चीज़ अलग हो जाएगी? सबसे पहले आयरन अलग हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, ये भी सोच समझ के करना है। फिर तीसरे स्टेप में क्या करना चाहिए, और फाइनली जो है हमें क्या कौन सा स्टेप लेना चाहिए कि आपके पास जो है वो सॉल्ट जो है वो सबसे आखिर में बच जाए। तो इस तरह के ये इस तरह के ये आपका माइंड सेट करके एक्सपेरिमेंट है, जिसको आपने सोच समझ के अपने तौर से सही करके, यानी इसको नंबरिंग आपने आगे पीछे कर देनी है। जैसे वन है तो वन जो है वो फर्स्ट स्टेप नहीं है, बल्कि आगे पीछे स्टेप्स हैं। आपने अपने तौर से उनको एक दोबारा से एक नया नंबर दे देना है, रीराइट नहीं करना, बल्कि इन्हीं नंबर्स को आगे से दोबारा से नया नंबर, उन नंबरों के सामने यानी स्टेटमेंट के सामने एक नया नंबर दे देना है कि पहला स्टेटमेंट कौन सा होगा, फिर दूसरे में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर योर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन असेसमेंट। ये करके लेकर आएंगे जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।